श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वंदे शुकतारं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तो यहाँ पर दो चीज़ भगवान ने बताया। उन्हें कहा कि जो आत्मरति है, आत्मरति का मतलब क्या है हमने देखा कल, आत्मरति और आत्म तृप्ति और आत्म संतुष्ट, ये तीन बातें जो भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी, तो मैं इन जिनकी रति तृप्ति और संतुष्टि सिर्फ या केवल आत्मा में ही है, उस ज्ञानी को कार्यं कर्म माने करणीयम कर्तव्य कर्म कुछ नहीं रह जाता, वो मुक्त हो गया, एकदम मुक्त हो गया। हाँ, कल हमने देखा कुछ उदाहरण जैसे कि सनक संदनादि, वो भी है महात्मा लोग, हाँ ये है अभी भी है। ऐसा कहा गया दे आर द फोर कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कॉस्मॉस ऑफ द क्रिएशन, सनक सनंदन सनत कुमार सनत सुजात जो भी है, देयर फोर कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द क्रिएशन इटसेल्फ, मतलब ब्रह्मांड का जो चार जो पॉइंट है कार्डिनल पॉइंट्स, दे आर सीटेड देयर, ऐसा बताते हैं। मतलब चारों ओर से वो देख रहे हैं, इस सृष्टि चक्र में उनका प्रवेश, उनका जो योगदान कुछ है ही नहीं, कर्तव्य रूप में है, सेवा तो कर रही है पर कर्तव्य करके ऐसा कोई नहीं, मजबूरी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, वो है। तो फिर अगले भगवान ने कहा कि न च तस्य एवं तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन यह कश्चन, माने कृतेन कर्मणा अर्थः प्रयोजनमस्ति नास्ति। अस्तु तर्हि अकृतेन अकरणेन प्रत्यवाया, क्या प्रत्यवाय क्या भी नहीं है, कर नहीं किया तो कुछ प्रत्यवाय दोष नहीं है, किया तो कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा स्थिति पर, इस ऐसे एक स्थिति है उस पर पहुंच गया। तो करना क्या है फिर, तो भगवान कहते हैं तो और क्या, न त्वम एतस्मिन् सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय सम्यक दर्शने वर्तसे। अर्जुन तू तो सर्वतः संप्लुतोदके का उदाहरण दिया है कि नहीं, जैसे कि हर जगह हर और चारों ओर पानी ही पानी, ऐसे व्यक्ति को हर जगह पानी से भर गया और माने ज्ञान रस में डूब गए, आनंद ले रहे हैं, निमग्न हो गया, ऐसे व्यक्ति को कुछ करना, कहीं जाना, प्राप्त करना, ये सब बंद हो गया। पानी के लिए भी कुछ कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, आनंद के लिए रस के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, माने वहीं पर है। तो इसी तरह तुम उस स्थिति में नहीं हो ये अर्जुन। देखिए अर्जुन तू तो ये तस्मिन सर्वतः संप्रदोदक स्थानीय, ऐसे जिस स्थान के बारे में मैंने बताया माने एक स्टेट, उस पर तुम तो नहीं है, उसमें निमग्न नहीं हुआ, तुम्हारी स्थिति जो है वो नहीं है। तो इसीलिए तेरे लिए फिर क्या करना चाहिए, तेरे द्वारा क्या करना चाहिए, तो तेरा कर्तव्य कर्म क्या है। फिर तेरे बारे में मैं कुछ यदि कहूँ तो क्या कहूँ, ये कहना पड़ता है तुमसे, क्या करना पड़ता है, कहना पड़ता है। भगवान कहते हैं भी इसीलिए तस्मादसक्त सततम कार्यं कर्म समाचरा, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् इसीलिए, किस लिए, ए भैया तुम तो उस ज्ञानी के स्थिति में नहीं हो। ज्ञानी महाराज की जो स्थिति है वहाँ तुम नहीं हो, इसीलिए माने हम सब अर्जुन हैं। सर्वतः संप्लुतोदके, हर जगह से पानी भर गया, पानी ही पानी है, इसे में आनंद ही आनंद है, ज्ञान ही ज्ञान है, तो फिर हमारे लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। मगर हम उस स्थिति में नहीं हैं, वहाँ पर नहीं पहुँचा, तो हमारा कर्तव्य क्या है। भगवान कहते हैं तस्मात् इसीलिए, इसलिए कि तू क्यों उधर नहीं है, इसलिए तू उस स्थिति पर नहीं पहुंचा। इसलिए असक्त सततम, असक्त होकर, तस्मात् असक्तः संगवर्जितः, संगी भाव को छोड़कर, संगवर्जितः सततम माने सर्वदा, सर्वदा माने हर कर्म में, हर समय, हर जगह में, सर्वदा संगवर्जितः सततम सर्वदा कार्यम, कार्यम माने कर्तव्यम, नित्यम कर्म, नित्य कर्म जो कर्तव्य कर्म है, जो नित्य कर्म है, नित्यम करने योग्य है, ऐसे जो कर्तव्य कर्म है, अनेक प्रकार के कर्म, हम सबके द्वारा करने योग्य कर्म, जो हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, निभाना ही पड़ेगा। कर्तव्य कर्म समाचर निर्वर्तय, सम्यक आचर, सही ढंग से उसका आचार करो, निर्वर्तय माने इसका चलाओ, अपने जीवन में लाओ, करो, आचरण करो, सम्यक आचरण करो, समाचर निर्वर्तय। असक्तो ही यस्मात्, क्योंकि असक्त होकर ही माने जो असक्त है उन्हीं को ही समाचरण, यस्मात् समाचरात् माने असक्त होकर सम्यक आचरण करने से ही, माने सही ढंग से भलीभांति कर्म करने से ही, माने सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का मतलब क्या है, ईश्वरार्थम, तो भगवान के लिए करना सम्यक आचरण, वो भी भगवान के लिए, ईश्वरार्थम कर्म कुर्वन, कर्म करते हुए परम मोक्षम आपनोति। परम माने यहाँ पर मोक्ष माने परमापनोति, परम आपनोति, जो परम माने मोक्षम, आपनोति माने प्राप्त कर लेता, मोक्षम प्राप्नोति आपनोति पुरुषः सत्वशुद्धि द्वारेण इत्यर्थः। पुरुषः माने पुरुषः जो साधक है, सत्वशुद्धि द्वारेण, सत्वशुद्धि द्वारेण तो सत्व शुद्धि के द्वारा, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा, माने कर्म करना निष्पक्ष होकर करना, फल संगवर्जितः माने फल के प्रति संग को त्याग कर हमारा जो कर्तव्य है उसी को करते रहना, करने से हमारी अंतःकरण जो है शुद्ध हो जाएगी। तो अंतःकरण शुद्ध होने के बाद फिर हमको मुक्ति मिलेगी। तो हमारे लिए एक भगवान सूत्र के रूप में दिया है, क्या है, कैसा क्या व्यवहार करना है। असक्त होकर सर्वदा अपना कर्तव्य कर्म ही करते रहो, बस कर्तव्य कर्म ही करते रहो। क्यों भाई? भैया इसीलिए कि कर्तव्य कर्म माने कर्म में ही हमारे यहाँ अधिकार है। हमारा अधिकार किस में है? कर्म में ही है। और अकर्तव्य कर्म किया तो फिर फंसोगे, पाताल में जाओगे, माने नीचे जाओगे। तो कर्म में ही हमारा अधिकार है। फिर कौन सा कर्म करना चाहिए आदमी को आगे बढ़ने के लिए? कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए। और वो भी कैसा करना चाहिए? किस भावना से? असक्त होकर, संग वर्जितः, यही करते रहो। तो ये एक सूत्र रूप में भगवान ने बता दिया। बुझिए, नहीं किया तो फिर तुम्हारा और एक दोष लग जाएगा। क्योंकि देखिए, महात्मा लोग किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बता दिया पहले ही। अकृते न कृते न, किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता, न खुद के लिए न अन्यों के लिए। क्योंकि कोई किसी का जवाबदारी या जिम्मेदार कुछ है ही नहीं उनका, तो मुक्त हो गया सर्वदा। तो हमारे लिए करना ही करना है, नहीं किया तो पाप लगता है, नीचे जाएंगे। अच्छा, तो ये भगवान कह दिया। तो और अस्मात् चा माने और एक भी कारण है। ये कारण आगे जो बताने वाले कारण है, उसके लिए भी, उसी को भी दृष्टि में रखकर तुमको करना, कर्म करना चाहिए। क्या भैया? कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्तिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्तिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो भगवान कहते हैं, उदाहरण देते हैं, प्रमाण दिखाते, प्रमाण। आदमी के जीवन में कोई प्रमाण नहीं दिखा है तो मानता नहीं। हमारे कमजोरियां हैं, हमारे में कमजोरी क्या है? यही कमजोरी, बड़ी कम वीकनेस यही है हमारा, हम में, कि कोई प्रमाण दिखाओ तब मानेंगे। तो अमिताभ बच्चन ने ऐसा पहना उस फिल्म में, ऐसे इस तरह का शर्ट पहना, सबसे नीचे जो बटन है उसको फोड़कर जानबूझकर उस पर एक बार गांठ बांध ली, तो ये भी कुछ नया शर्ट लाकर नीचे बटन को निकाल कर गांठ बांध कर घूमता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन प्रमाण। देखिए है कि नहीं? तो सब प्रमाण है। और इसलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो भी है, उन्हीं को व्यापार प्रकटन में लाकर टीवी में हर जगह पे उन्हीं के द्वारा किया जाता है सारा व्यापार प्रकटन। क्यों? वो किया तो फिर ये प्रमाण हो गया। तो भगवान भी एक प्रमाण दिखा रहे हैं इस श्लोक में। तो प्रमाण, ऐसा प्रमाण दिखाना अर्जुन को, जो राजा हो, तो ब्राह्मण का, कोई मुनि, ऋषि मुनियों का प्रमाण दिखा दिया तो मानता नहीं है। तो ये क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय को क्षत्रिय उदाहरण देना चाहिए। वही एक देखो, वशिष्ठ को देखो, ऋषि मुनियों को देखो, तो मानता नहीं। अरे तो भाई वही बनना चाहता हूं, इसीलिए मैं भी छोड़ देता हूं। तो एक क्षत्रिय का उदाहरण देना चाहिए, वो भी राजा को, क्षत्रिय राजा को उदाहरण देना चाहिए। और जिसका नाम सुनते ही अर्जुन के मन में एक गौरव भाव उत्पन्न होना चाहिए, उनके प्रति आदर भाव। दुर्योधन का उदाहरण दिया, समझो मैं ऐसा कह रहा हूं, दुर्योधन आता नहीं, इसमें नहीं आएगा, फिर भी मैं कह रहा हूं। तो धृतराष्ट्र का देखो, तेरा ताऊजी को, अरे और गुस्सा बढ़ेगा, तुम बाहर में जाओ, मैं करूंगा नहीं काम। तो चुन चुनकर भगवान ने उदाहरण दिए, जनकादयः, जनक, राजा जनक का उदाहरण देते हैं। देखिए, तो कर्मणा ये वही, माने कर्मणा ये वही यस्मात् पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः। देखिए, क्षत्रिय है विद्वान, क्षत्रिय लोग, उनका उदाहरण कौन है? विद्वान क्षत्रिय जनक, राजा जनक, वो विद्वान थे और क्षत्रिय भी थे। तो ऐसा विद्वान क्षत्रिय को चुनकर भगवान कृष्ण उनका उदाहरण दिया अर्जुन को, कि देखिए, क्षत्रिया विद्वांसः संसिद्धिम मोक्षम गंतुम आस्थिताः प्रवृत्ताः जनकादयः जनकाः जनक अश्वपति प्रभृतयः, क्योंकि जनकादयः जनक आदि, आदि में कौन कौन है? आदया माने एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, उसमें कहाँ का किसको लाया? बता दें अश्वपति, राजा अश्वपति भी महात्मा थे। तो अश्वपति भगवान आचार्य जी वहाँ पे एक और एक जोड़ दिया, जनक और अश्वपति प्रभृतयः इत्यादयः। तो उन्हीं का उदाहरण, उन क्या है? मोक्षम गंतुम आस्थिताः प्रवृत्ताः, आस्थिता माने प्रवृत्ता, आस्थिताः प्रवृत्ताः प्रवृत्त हुए, उसमें स्थित हो गए, उस भावना में स्थित हो गए, अच्छा पहुंच गया, आस्थिताः उस स्थिति पर पहुंच गए। तो कर्मणा ये वही यस्मात्, क्योंकि पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः संसिद्धिम मोक्षम गंतुम आस्थिताः प्रवृत्ताः जनकादयः जनक अश्वपति प्रभृतयः। यदि अब उदाहरण दे दिया तो देखो उनको देखा, या राजा जनक को देखो, अश्वपति को देखो, इत्यादि महानेक क्षत्रियों को देखो पूर्व काल में, वे सभी लोग अपना कर्म करते करते उस स्थिति को पहुंच गया, उस स्थिति पर। कौन सा है स्थिति? मोक्ष स्थिति को पहुंच गए, सभी लोग पहुंच गए, बढ़िया है। अब देखिए, हाँ आचार्य इस पर थोड़ा विवक्षा करते हैं। यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शनाः ततः लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वात् कर्मणा सह एव असन्यस्य एव कर्म संसिद्धम आस्थिता इत्यर्थः, असन्यस्य एव कर्म संसिद्धिम आस्थिताः इत्यर्थः। अब देखिए, यदि यहाँ एक देखिए एक श्लोक का अर्थ इति व्याख्येयः आकर में बताया, इस तरह का इसका व्याख्यान करना चाहिए। विवक्षा क्या है? यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शनाः, सम्यक दर्शन यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को पहला प्राप्त कर लेके करके पहला मोक्ष प्राप्त हुआ, माने यथार्थ ज्ञान उन सबको मिला, यथार्थ ज्ञान हुआ। इसके बाद ततः इसके बाद लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वात्, प्रारब्ध के कारण लोक संग्रह के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वात् प्रारब्ध के अनुसार कर्मणा सह माने कर्म के साथ 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 रहते हुए, माने कर्म करते हुए, असन्यस्य एव बिना संन्यास ग्रहण किए, माने संन्यास ग्रहण किए बिना, ज्ञान हो गया तो सबको त्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं राज्य को, ज्ञान हुआ इसीलिए पाप नहीं है न पुण्य है। देखिए तो आत्म साक्षात्कार हुआ, तो इसीलिए असन्यस्य एव माने संन्यास ग्रहण किए बिना, करे बिना, असन्यस्य एव कर्म संसिद्धिम कर्म करते करते हुए, कर्म में रमते हुए, कर्म करते हुए आस्थिताः संसिद्धिम आस्थिताः, वे सभी लोग सिद्धि को प्राप्त कर चुके, बिना संन्यास, संन्यास ग्रहण नहीं किया। तो वे क्या फिर आस्थिता माने ज्ञान के बाद देखिए प्राप्त सम्यक दर्शन, पहला सम्यक दर्शन का अनुभव हो गया, यथार्थ ज्ञान हुआ, ये है आत्मा, ये सब मिथ्या है, ऐसा ज्ञान हुआ। उसके बाद प्रारब्धवशात, जैसे प्रारब्ध है प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि वो प्रारब्ध का जो संकुल है उसको तोड़कर भी जा सकते हैं। देखिए आत्मज्ञानी प्रारब्ध के अनुसार जीना है, ये कोई नियम नहीं है उनके लिए, प्रारब्ध है ही नहीं, फिर भी छोड़ देते, क्योंकि ये बहरे तो बहने दो। इसलिए महात्मा लोग रमण महर्षि के पास, रामकृष्ण परमहंस जी के पास भक्त लोग गए कि बताया कि प्रभु आप संकल्प करें तो सब आपके जो स्वास्थ्य है एकदम ठीक हो जाती है, संकल्प क्यों नहीं करते आप? वे बोलते थे किस तरह का संकल्प करना चाहिए? शरीर के लिए जो मैं नहीं हूं। देखिए हम भी गुरुदेव के पास जब चले जाते थे, मैं भी एक बार ऐसे प्रार्थना किया गुरुदेव से, मैंने कहा कि आई एम प्रेइंग गुरुदेव फॉर गुरुदेव हेल्थ, अब मैं क्या करूं भगवान से और क्या मांगूं? फिर भगवान है कहाँ? यही भगवान है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वे चाहे तो अपने आप को ठीक होकर फिर घूमता है, घूम सकते हैं, उन्हीं का संकल्प है। देखिए तो बस आपको इशारा देकर चला गया। कई लोगों को इशारा दिया कि मैं बस मेरा समय आ गया, मैं छोड़ के जा रहा हूं। बहुत लोगों को इशारा दिया, एक नहीं अनेक इशारे दिए, पर कोई समझा नहीं। तो उनका क्या प्रारब्ध है, चाहे तो छोड़ सकते हैं, है ही नहीं। मगर वो लोग ना प्रारब्ध कर्म का जो नदी है ना, कर्म की जो नदी, उस नदी को नदी से छेड़ते नहीं, बोलते बहने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं, माने उठाते हैं हमारे दृष्टि से, उनके दृष्टि है ही नहीं। इस बात को समझना कठिन है। तो असन्यास्यैव कर्म माने असन्यास्य माने कर्म नहीं छोड़ते हुए, कर्म को नहीं छोड़ा, संन्यास स्वीकार नहीं किया। संसिद्धिम आसिताः, संसिद्धि माने उसमें सिद्धि प्राप्त कर लिए इत्यर्थः। या नहीं तो अथ और एक दूसरा एक दृष्टिकोण है इसका, अप्राप्त सम्यक दर्शनाः जनकादयः। यूँ समझो कि जनक आदि को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ, ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ, माने जीवन मुक्त नहीं हुए, आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार नहीं हुई। तो इसीलिए अप्राप्त सम्यक दर्शनाः जनकादयः। तदा फिर कर्मणा सत्वशुद्धि साधन भूतेन क्रमेण संसिद्धिम आशिताः इति व्याख्येयः। तो फिर ऐसा व्याख्यान करो इसका कि ते वे सभी लोग कर्मणा कर्म करते हुए सत्वशुद्धि साधन भूतेन सत्वशुद्धि को प्राप्त कर लिया अंतःकरण शुद्धि के द्वारा। क्रमेण मैंने पहला कर्म करो, कर्म का जो फल है फल को त्याग दिया, भगवान को त्याग कर फिर अंतःकरण शुद्धि हुई, अंतःकरण शुद्धि से फिर उनका मन शांत हो गया, शांत होने से यथार्थ दृष्टि, ये सृष्टि का जो बाह्य जगत का जो असली रंग है, असली स्वरूप जो है, तो उसका मालूम कर लिया, पता कर लिया। इसलिए वैराग्य हुआ, वैराग्य के कारण अंतर्मुखी हुए, अंतर्मुखी के कारण ध्यानस्थ हो गए, ध्यानस्थ के कारण आत्म साक्षात्कार हुए। यह क्रमेण मन इस क्रम के द्वारा संसिद्धिम आशिताः। तो ऐसा समझो कि ये दो तरह से देख सकते हैं, कर्म करते करते क्रमेण संसिद्धि लभ्यते में संसिद्ध हुई, या नहीं तो पहले संसिद्ध हो गया तो भी प्रारब्धवशाद प्रारब्ध के अनुसार कर्म को नहीं छोड़ते हुए अपना स्वधर्म को करते हुए लोक संग्रह किया, माने लोगों की भलाई के लिए कर्म किया। तो दो तरह से आप देखोगे, मैं इसमें कोई लोप दृष्टि नहीं होनी चाहिए। श्लोक में पढ़कर कोई कहेगा कि देखिए और तो ठीक है आत्म साक्षात्कार हो गया तो भी किया तो क्या है, हमको ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान के लिए हम संन्यास लेते हैं, चलो विविधशा संन्यास। तो दो तरह के जो भाष्य भगवान ने यहाँ पर दे दिया। इसलिए आगे कहते हैं, अथ मन्यसे पूर्वैरपि जनकादिभिः अपि अजानद्भिः एव कर्तव्यं कर्म कृतं तावता न अवश्यं अन्येन कर्तव्यं सम्यक् दर्शनवता कृतार्थेन इति। अथ मन्यसे पूर्वैः अपि जनकादिभिः, पूर्व काल में तो जनकादिभिः अपि अजानद्भिः माने जो आत्मज्ञान जिसका नहीं हुआ, अजानद्भिः एव कर्तव्यं कर्म कृतम्। देखिए तो अज्ञान लोगों के द्वारा ही अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। पूर्वैरपि यह मानता होती कि आत्म के जनकादि उन सब के पूर्व काल में जो सभी राजा थे ये कर्तव्य कर्म द्वारा कर्तव्य कर्म के लिए ही मैंने किए गए हैं कर्तव्य कर्म, क्योंकि अज्ञान के कारण तो ज्ञानी को ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए, ऐसा तुम यदि प्रश्न उठाते, वो तो अज्ञानी थे जनकादयः, इसलिए कर्म करना पड़ा। तो ज्ञानी के लिए ये वो कर्तव्यम कर्म कृतम, जो कर्तव्य कर्म उन लोगों ने जो किया, राजा लोग माने जनकादय लोग अज्ञानवशात, कृतम तावता, मैं तावता मैं टू दैट एक्सटेंट, तावता इस तरह से न अवश्यम, उन्होंने किया ये जरूरी नहीं है बाकी लोगों के लिए, न अवश्यम अन्य न कर्तव्यम, बाकी लोगों के द्वारा कर्म करना ये जरूरी नहीं है। तो अज्ञानी थे, तो अज्ञानी के कारण कर्म किया। आपने जैसे भाष्य में बताया पहले कि अज्ञानी के कारण कर्म किया, कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हुई, शुद्धि के बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर आत्म साक्षात्कार हुआ। ठीक है, तो इसीलिए अज्ञान अवस्था में थे, इसीलिए वे सभी लोग कर्म किए। अजानत भी, देखिए यथि मन्य से, अभी तुम यदि सोचता है, पूर्व ही जनकाद भी, पूर्व काल में राजा जनक के द्वारा इत्यादि भी द्वारा, अभी अजानत भी, जो अज्ञान लोग के द्वारा कर्तव्यम कर्म कृतम, वो अज्ञानी थे इसीलिए कर्तव्य कर्म कृतम माने किए। तावता इस तरह से, ये न अवश्यम ये जरूरी नहीं है, किस लिए, अन्य न दूसरों के लिए, ऐसे जो कर्तव्य मानकर जो कर्म किए बाकी लोगों के लिए जरूरी नहीं है। सम्यक दर्शनवता कृतार्थेन इति, सो सम्यक दर्शनवता कृतार्थेन, जो कृतकृत्य पालय माने कृतकृत्य हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। यदि तो ऐसा सोचता है तो आत्म साक्षात्कार जिसको हुआ वो, उसके लिए कोई कर्म करना कोई जरूरी नहीं है। यदि ऐसा यदि तू सोचता है तो तथापि, तो भी कर्म नहीं करना जरूरी नहीं है, ऐसा तो सोच सकता है, क्योंकि वो आत्मज्ञान हो गया, ज्ञानी बन गया। तथापि प्रारब्ध कर्मायतः माने प्रारब्ध कर्म के अधीन त्वम तू लोक संग्रहमेव अपि लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, लोक संग्रह। ब्यूटिफुल। लोक संग्रह का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, जो उल्टे मार्ग पर जाने वालों को रोककर सही मार्ग में लाना, उसको कहते हैं लोक संग्रह। ठीक है, तो ज्ञानी हो गया तो ठीक है, मगर प्रारब्ध कर्मायतः, प्रारब्ध के अनुसार। तो प्रारब्ध तो चलता है शरीर में, हाँ, जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध है, तो छेड़ते नहीं। मैंने बता दिया, महात्मा ज्ञानी लोग छेड़ते नहीं, बोलते चलो ठीक है, जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे। किस लिए? लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब क्या है? उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, ये डेफिनेशन है। लोक संग्रह उन्मार्ग प्रवृत्ति माने उल्टे मार्ग पर जो जा रहा है उसको पकड़कर, जरूरी पड़े तो एक दो थापड़ देकर, डांटकर, गुस्सा दिखाकर, डंडा रखता हूं इधर, डंडा दिखाकर सही मार्ग पर लाना, ये बड़ा कार्यक्रम है। कौन करते हैं? महात्मा लोग का काम यही है, और कोई कुछ काम नहीं उनका। बताते हैं, आगे बताते हैं, देखिए। ब्यूटिफुल। उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह। तम उस ऐसा कर्म को, तमेव अपि प्रयोजनम, उस प्रयोजन को सिद्धि करने के लिए, संपश्यन कर्तुमर्हसि, उस प्रयोजन के लिए तुम्हारा कर्म तुमको करना चाहिए। समझ में आ गया बात? प्रयोजन सिद्धि क्या है बताओ? आयता तो अर्जुन ऐसा मत समझो कि ज्ञान मार्ग में जो है, माने अज्ञान अवस्था में अज्ञान होने के कारण कर्म किए, और जैसे वो अज्ञान होने के कारण कर्म किए लोक संग्रहार्थम, लोगों की भलाई के लिए कर्म किए, वो अज्ञानी के लिए ही लागू है। जैसे अज्ञानी किया जो न अवश्यम, ये ज्ञानी लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है ऐसा कर्म, वो तो मुक्त हो गए। लोक संग्रह के लिए भी उन लोगों को क्यों करना चाहिए? ऐसा यदि तुम मन्य से, यदि तू सोचता है कि उन लोगों का काम बेकार है, आत्मज्ञानी लोगों का, जो उनका जो कर्म है लोक संग्रहार्थम जो करते हैं वो उनका जो करना जरूरी नहीं है, यदि तुम ऐसा मन से मानते हैं तो भी कर्म करना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध कर्मायतः। तुम्हारा आयु 100 साल है, तुम 30 साल के बाद तुम मुक्त हो गए हो समझो, तो 70 साल क्या करोगे पृथ्वी पे? ये कैसे कुछ कोई नियम है कि एक महात्मा हो गए तो संकल्प के साथ शरीर को भी त्याग दिया, उसको पाप नहीं लगता, वो अलग बात है, वो सभी लोग करते नहीं। असली ज्ञानी जो लोग हैं छोड़ना, फिर इसको क्या क्या किसको छोड़ना? शरीर को, माने शरीर है ही क्या छोड़ने के लिए? शरीर हो तो तब छोड़ो। जैसे कि हम गुरुदेव के पास हर साल जाते थे हैप्पी बर्थडे कहने के लिए, तो हर साल हमको डांट खिला देते थे वो लोग, आई एम नॉट बॉर्न, आई एम नेवर बॉर्न। हमको ये सब समझ में नहीं आता, हम लेके गए वेजिटेरियन केक, काटो और हमको खिलाओ, बस यही है हमारा मतलब हैप्पी बर्थडे बोलने का, यही है। तो बोले ठीक है लाओ, तो काटते थे सबको खिलाते थे, बस हो गए काम। आप जन्म लिए नहीं लिए क्या फायदा हमको, बट मेरी दृष्टि से जन्म है, आई एम नेवर बॉर्न बोलते थे, तो बैड बर्थडे कहाँ से आया? तो फिर उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम करते हुए जीवन जीते, लोक संग्रह प्रयोजन को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए। कर्म कर्तुम अर्घारहसी। देखिए, तो ऐसा मत समझो कि ज्ञानी हो गए तो फिर एकदम बैठोगे बिना कोई जिम्मेदारी। वैसे वास्तव में ज्ञानी लोग, सन्यासी लोग ज़्यादा काम करते हैं, उनको बेचारा आराम नहीं मिलता, बहुत काम करते हैं। और वे ऐसे लोग ही कर सकते हैं क्योंकि उनमें आवेश नहीं है, आवेश का प्रवेश नहीं होता, ममता नहीं है, फलापेक्ष बुद्धि तो नहीं है, नहीं है, कपटी नहीं है, सिर्फ प्रेमी प्रेम है, तो प्रेम के द्वारा कर्म करते रहते हैं। आप पत्थर भी फेंको, बोलते कोई बात नहीं, डांटो कोई बात नहीं, गाली दो तो कोई बात नहीं। ये दुनिया का स्वभाव ऐसे ही है, करके आगे चला जाता है, अपना कर्म करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं इसको मानकर ऐसा व्यवहार करो। यदि तू आत्मज्ञानी हो गया हो तो होने के बाद भी करना है, होने से पहले भी करना है, माने भगवान कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आलस्य को पकड़ने का रास्ता, उसका जीवन में अब जो आलस्य होने का कोई मौका नहीं दिया भगवान आपको। भगवान बोले मैं तो परमिशन नहीं दूंगा लेजीनेस के लिए, तुम्हारा जो आलसत्व है उसके लिए मैं कोई परमिशन नहीं देता हूं, मैं मानता नहीं हूं। मैं ज्ञानी हो गया तो कर्म करो देश के लिए, लोक संग्रह के लिए, नहीं हुआ फिर भी लोक संग्रह करो। क्यों? अंतःकरण शुद्धि के लिए। ये क्या जबरदस्ती है भैया, बस आगे बढ़ना है तुमको। आत्मज्ञानी होने, ज्ञानी बनने के पहले, ज्ञान होने से पहले क्या करना चाहिए? लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। वाह, हम ज्ञानी बन गए हैं। हाँ, वो तो कही देबाश में वही तो कह रहे इधर ही, दोनों स्थितियों में वही मैं बात कह रहा हूँ। आत्मज्ञान हुए पहले अज्ञान स्थिति में भी कर्म करो लोक संग्रह के लिए, अंतःकरण शुद्धि होगी, जनका देह। ऐसा समझो भगवान बता दिया ना भाष्य में। यहाँ पर दो तरह से देखो, क्योंकि कोई बोलेगा हाँ जनका देह आप काम किए होंगे अज्ञान दशा में होकर, बोलते अज्ञान दिशा में तो भी ऐसा समझो कि भगवान कह दिया कि आस्तिदा जनका समसिद्ध लभते, वो तो मुक्ति प्राप्त कर लिया भगवान के मुख से निकला हुआ, तो उसको झूठ नहीं साबित नहीं कर सकते तुम। हाँ जी, तो मान लिया तो फिर मैं ऐसा नहीं मानूंगा। कैसे नहीं मानोगे? वो जीवन मुक्ति हो गए बाद में काम किया, ऐसा मैं नहीं मानता। तो वो भी भैया तो ऐसा मत मानो, ऐसा सोचो कि पहला कर्म किया, अंतःकरण शुद्धि हुई, बाद में इनकी सिद्धि हो गई, उसी जन्म में सिद्धि हुई। इसका प्रमाण क्या? अरे भगवान तो कह दिया समसिद्धन लभते, तो पूछेगा तो वो लोग अज्ञान वालों को करने दो कर्म, ज्ञानी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नियम नहीं है। ये जैसे अज्ञानी लोग किया ऐसा जबरदस्त थोड़ी है कि ज्ञानी को भी कर्म करने का। भगवान कहते हैं तो भी प्रारब्धवशात कर्म करो, जैसा प्रारब्ध है प्रारब्ध के अनुसार। देखिए तथापि प्रारब्ध कर्मायत्तः त्वं लोक संग्रहम एव अपि लोकस्य, माने प्रारब्ध कर्म का जो मार्ग है उसी मार्ग पर चलते चलते समय जो जो तुम्हारे लिए उस प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे जीवन में मिलते हैं उन सब के भलाई के लिए ही कर्म करो। समझ में आ गया कि नहीं? अब कोई कहते हैं कि ये तो बड़े महात्मा हैं, देश विदेश में घूमता। अरे बाबा देश विदेश में घूमता है तो ठीक है, मगर हर देश में घूमता क्या? हर गली में गया क्या? हर घर में घुसा क्या? नहीं। तो भी इसी का इनका प्रारब्ध मार्ग पर जो जो देश जाने का प्रारब्ध में है, जिन जिन व्यक्तियों से मिलने का प्रारब्ध में है, वही लोग आते हैं उनके सामने। तो अमेरिका जाओ या स्वर्ग में भी जाओ, तो प्रारब्ध का जो मार्ग है उस मार्ग पर चलते चलते जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई प्राणी तेरे सामने आ जाते हैं। तो उन सभी के भलाई के लिए कर्म करो, क्योंकि प्रारब्ध क्षेत्र को त्याग कर और कहीं जाकर सेवा करना ये कभी नहीं होगा। तो प्रारब्ध मार्ग जो है उसी में है, वही पत्नी या पति या बच्चे या परिवार, आजू बाजू वाले, पड़ोसी, पड़ोसन, सब वही है, वही देश, वही लोग। कुछ साल के घर से बाहर निकला, ध्यानवान किया, तप किया, बस मोक्ष हुआ, आत्मज्ञान हुआ, वह घर लौटा। लौटने के बाद क्या क्या लौट गया तो पत्नी सोचते पति वापस आ गए, बच्चे सोचते हैं पिताजी वापस आ गए, मैं आत्मज्ञानी हूं। तो कौन को इसका प्रमाण क्या बताओ? अनुभव का प्रमाण क्या कैसे दिखा सकते हो? वे बोलते हैं तू कुछ भी हो खाना खा लो, तू कुछ भी हो काफी लो, तू कुछ भी लो अपना स्वास्थ्य ठीक से रखो, तू कुछ भी लो नौकरी करो और पैसा कमाओ, हम सबको खिलाओ, बस यही काम। नहीं, ये घर छोड़ दिया, मेरे प्रारब्ध के अनुसार ही मैं संन्यास ग्रहण किया, वहीं कहीं बैठ गए पर्वत पे, वहां पे भी आ जाते हैं दो तीन लोग। तपोवन महाराज सब छोड़ के गए, फिर भी कुछ लोग गए कि नहीं सुनने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने। देखो उनको भी कभी कभी जाना पड़ा, भागना पड़ा लोगों से, जानते हैं कि नहीं? लोग से इधर से जाते थे, दिल्ली से दर्शन करने, केरला से दर्शन करने, उनके ये लोग बेवकूफ़ लोग थे, खत लिखते थे कि स्वामी जी हम आ रहे हैं, उस तारीख को पहुँचेंगे। बोले अच्छी बात है, उसी दिन सुबह निकल के चले जाते थे गंगोत्री। बेचारे उनको भी कष्ट करना उठाए नहीं, इनसे बचने के लिए फिर मेहनत करना, पैदल चल कर गंगोत्री में जाके बैठ गया। हाँ, उनका प्रारब्ध है तो ठीक है, मगर चलते चलते मार्ग पर कोई पकड़ लिया, तपोवन जी आ गए मार्ग पर, गंगोत्री के मार्ग पर, कोई प्रश्न पूछा जवाब देना पड़ा। तो प्रारब्ध का जो एक मार्ग है, एक लेन है, उसी में हम रहते हैं, उससे छूट नहीं सकते, ये समझ लो। बस इसका इससे इस मार्ग से हटकर बाहर कहीं जाना नहीं होगा। आपको मैंने एक कहानी सुनाया कुछ 1-2 महीने पहले, मैं फिर सुनाऊंगा क्योंकि आप उस्ताद हैं, भूल जाते हैं। नहीं बताने के बाद हमको पता लगता है कि याद है कि नहीं, तो बताता हूँ, सुनिए। ये प्रारब्ध से बचकर कोई नहीं रह सकता। तो राजा जनक अयोध्या में, राजा जनक मिथिलापुरी में, तो उनके रोज कोई 1-2-3 सभी लोग, ये जो रक्षक भट्ट लोग होते हैं ना, वो लोग फिर रात को घूमते थे, क्यों? नगर की रक्षा करने के लिए, ठीक है। कभी राजा भी चले जाते थे। मैंने ये पढ़ा है, ये आर्टिकल बहुत साल पहले, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक रात को मृत्यु देवता दर्शन दे दिए किसी को, एक घूमने वाला जो है सोल्जर को, उसको दर्शन दिया। वो तो एकदम घबरा गया। और मृत्यु देवता दर्शन देकर ऐसा देखिए आंख थोड़ा दोनों थोड़ा थोड़ा हल्का सा बंद करके ऐसे थेड़ी दृष्टि से उन्होंने उन्हें इनको देखी। कौन? मृत्यु देवता देख रहे थे। ये तो घबरा गया, बाप रे मृत्यु देवता दर्शन हो गए करके। फिर वापस आ गया रातों रात और अश्वपति जो भी है वो दो सेनापति को जगाया। बोले कि अत्यंत शीघ्र दौड़ने वाले जो घोड़ा है, जो घोड़ा दौड़ने वाला घोड़ा, उस घोड़ा को मुझे दे दो पहले। बोले क्यों, कुछ काम है? तो ठीक है, ये तो आर्मी वाले हैं तो ले लिया, दे दिया। और उस पर बैठकर सवारी होकर चला गया, बहुत दूर चला गया, पता नहीं कहाँ गया। सवेरे राजा को ये खबर मिली कि रात को रातों रात एक आया, ऐसा है घोड़ा लेके वापस चला, जब बहुत दूर चला, कहाँ चला गया पता नहीं। तो राजा तो सुन लिया, तो ठीक है। तो उस दिन, अगले दिन कर जो रात है, उस रात को स्वयं जनक जी फिर रात को नगर की रक्षा में एक दूसरा वेश में घूमने लगे। नगर की जो अनेक गली होती है ना, एक एक गली में, उन नगर में, फिर नगर के बाहर जो जी है घूम रहे। उस रात को फिर दोबारा मृत्यु देवता का दर्शन जनक जी को हुआ। तो जनक जी ने पूछा कि वो मृत्यु देवता, तू इधर क्या घूम रही हो? इधर जंगल में अभी क्या है? क्या कोई किसी प्राणी को लेके जाना है क्या? नहीं नहीं, बस मैं आज से घूम रही थी और आपका मैंने आपको देखा, इसलिए आपको नमस्कार करने आई हूँ, तो आप मेरे नमस्कार स्वीकार कीजिए। बोले ठीक है, अब सब ठीक है? सब ठीक है। बोले ये रात को क्या है, एक घोड़ा वाला? हाँ, तब बोला थी, हाँ जी हाँ जी, अब याद आ गए। मृत्यु देवता बताए कि मुझको ब्रह्मा जी ने बताया कि इस प्राणी को वहां से उठा के लेके आना। कहाँ से? बहुत दूर जंगल में, पहाड़ों में कहीं। और समय था सुबह सुबह सवेरे 6 बजे, इनको वहां से उठाना है। मुझे लिस्ट दे दिया किस प्राणी को कहाँ से उठाना है। तो इसमें इनका नाम और जगह वो बताया, मगर कुछ घंटे पहले ये इधर ही दिखाई दिया मुझे। तो मैंने सोचा कि ये ब्रह्मा जी का जो लिखित जो है ना, वो आज गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ इनका जो लिखा है वो तो बस आज गलत साबित होने वाला है, इनके अनुसार सृष्टि नहीं चल रही है, ऐसा मुझे मेरे ख्याल आया। मुझको देख करके वो घोड़ा लिया, इसका बुद्धि के अनुसार वहीं 5 बजे सवेरे पहुँच कर वहाँ बैठ गया। मैं देखा तो वहीं था सुबह 6 बजे तक, तो उसको उठा लिया। मैंने जो घोड़ा लिया, प्रारब्ध का जो है ना, वहां पहुंचा देना उनको। तो प्रारब्ध का उसको वहां पहुंचा दिया, मृत्यु देवता वहां पर आ गई, उठा ली, चले गए। ये कहने का मतलब है, हम सब सोचते हैं कि हम प्रारब्ध से हम बचेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। कई बार ऐसे बोलते हैं कि तुम मरने के लिए गए उधर, वो आखिर जाने वाला नहीं था, आखिरी मिनट में उसको अथॉट आया कि जाना है। बस क्या बोलो, भगवान का ये खेल है, और मरने के लिए ही गया है उधर, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो प्रारब्ध कर्म का मार्ग जो है उसी पे रहो, कर्म करो। मैं ज्ञानी बन गया तो क्या, लोक संग्रह में वापी, तो लोक संग्रहम कह कर्तुम अर्हति कथम चयति उच्चते। लोक संग्रह किसको करना चाहिए? कह कर्तुम अर्हति, किसको करना चाहिए लोक संग्रह कर्म? बोलते हैं कथम च, और किस लिए करना चाहिए, किसको करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। अब ठीक है, अज्ञान दशा में भी अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करो और लोक संग्रह के लिए कर्म करो। ज्ञानी बन गए उस अवस्था में भी लोक संग्रह के लिए जियो, प्रारब्धायत्तः, जैसा तुमको प्रारब्ध। माने दोनों का जो लक्षण है, एक तो करता है ज्ञान के लिए और एक करता है अपना जो ज्ञान के बाद बस प्रेम से, कोई जिम्मेदार नहीं है, कर्तव्य नहीं है तो भी करता है। ये अंतःकरण शुद्धि के लिए करता है अज्ञानी, और ज्ञानी बस अपना स्वभाव प्रकट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। दोनों का कर्म एक ही है, एक मार्ग पर है, दूसरा मार्ग पर पहुंचने के बाद, गंतव्य स्थान पहुंचने के बाद देश के लिए, लोक संग्रह के लिए करते हैं कर्म। आपको समझ आ गई बात? इसका मतलब क्या है? कर्म से कोई छूट नहीं सकता। बस भगवान किसी को नहीं छोड़ा। तो अर्जुन का मतलब अभिप्राय क्या था कि मैं ज्ञानी बन जाता हूं जल्दी जल्दी, रातों रात। तो ज्ञानी बन गया तो फिर कर्म से छूट जाता हूं, तो युद्ध करना कोई जरूर नहीं पड़ता हमारे लिए, मेरे लिए युद्ध की फिर कोई जरूर नहीं होती। तो जाएंगे जंगल में, आराम से बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजा करेंगे। भगवान कहते हैं ऐसे बेवकूफ़ी की जो आलोचना छोड़ दो। लोक संग्रह कहकर तुम रहती कदम चाहिए थी उच्चते। तो किसको करना चाहिए लोक संग्रह? बोलते सबको करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? बताते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सह यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो भगवान कहते हैं क्या? श्रेष्ठ पुरुष को करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष को माने लीडर को, श्रेष्ठ पुरुष को करना चाहिए। अच्छा, तो थोड़ा हटकर हम भाष्य से हटकर देखेंगे श्रेष्ठ पुरुष कौन है। वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष कौन नहीं है, सब श्रेष्ठ पुरुष है। माने स्त्री भी इंक्लूड हो गई इसमें। आप पुरुष पुरुष माने ये पुरुष का मतलब मत करो। पुरुष जनात पुरुष जो शरीरधारी है हो, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ ही है। भीख मांगने वाला जो पिता है घर पर, वो अपने बच्चों के लिए श्रेष्ठ है। देखिए, क्योंकि बच्चे उनके ओर देखते रहते हैं, पप्पा कैसे पुकारते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं सड़क पर, किससे कैसा मांगता है, क्या क्या नाटक करते हैं, क्या क्या झूठ बोलते हैं। देखिए, मैं उन्हीं का संतान हूँ। वे हमारे मेरे आचार्य है, गुरु है, पिता है, मार्गदर्शक है। किस वृत्ति में? इस प्रवृत्ति में, भीख मांगने में। तो मेरे लिए श्रेष्ठ कौन है? वही है। माने सब लोग ऊपर ही है, माने कम से कम एक तो दो, एक या दो या तीन लोग है ही हमारे ओर देखते हुए। देखिए, कोई नहीं मैं तो श्रेष्ठ किसी का नहीं हूं। ना घर पे बच्चे मानते हैं, पत्नी नहीं मानती है मैं किसी का श्रेष्ठ नहीं हूं। नो, आप ऐसा समझते हैं कि कोई किसी का श्रेष्ठ नहीं है, मगर सड़क पर जाने वाला आजू बाजू वाले बिना घोषणा ही आपको श्रेष्ठ मानकर आप ही के ओर देखते हुए आपका नकल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप नहीं जानते। जैसे कि द्रोणाचार्य को नहीं पता कि एकलव्य मुझको गुरु बनाकर ये अपना अभ्यास कर रहे हैं। घोषणा किए बिना और अपने आप को समझ लिया कि मैं इन्हीं का शिष्य हूं। मेरा गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। तो गुरु को ही पता नहीं। तो जो श्रेष्ठ पुरुष है, अब भगवान बताते हैं सब श्रेष्ठ, सभी वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष सभी है। तो सबको कुछ आदर्श होना चाहिए और किसी के लिए आदर्श पुरुष बनो। देखो, तो गुरुदेव हमेशा ये कहते थे कि एक पाद पिता जाता है सबके सामने, फिर वो दारू पीता है, तो फिर बच्चा भी देखता है। और पीते पीते पिताजी बताते हैं कि बच्चों को, बेटा दारू पीना गलत है। समझ में आ गया तुमको? गुड़ 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 आवाज भी आता है उस गिलास में, टप 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 करके। बेटा ये दारू जो है ना, मैं तो पी रहा हूँ, वास्तव में ये ठीक नहीं है आदमी के लिए। अच्छा, आइस लेके आओ, तो आइस लेके आएगा। वो बच्चा पूछता है, बोलता इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। मुझे एक चम्मच दिखाओ पहले तीर्थ, तब मानूंगा। टेस्ट कराओ एक चम्मच। मैंने एक सुना है, तो आजकल यही है, सच्चाई है कि एक पिताजी ने अपने बच्चों को बुलाया, बेटा को, बोले कि सो नाउ आई हैव टू, बता रहा हूँ आपको, तो बोले कि सन, नाउ सोसाइटी इज चेंज्ड, लेट अस डिस्कस अबाउट सेक्स लाइफ। वो भी ठीक है करके अपना कुर्सी लेके आया, उनके सामने बिठा दिया, मैंने बिछा के बैठा पिताजी के सामने। ओके डैड, आस्क मी व्हाट यू ऑल वांट टू नो अबाउट सेक्स। ये चौंक गए हैं, ये है दुनिया। अभी आस्क मी व्हाट ऑल यू वांट टू नो अबाउट सेक्स लाइफ, आई विल टेल यू। ये पिता सोचा कि उनको थोड़ा सही मार्ग पर बिठाने के लिए रास्ता, ये जो और कुर्सी खींच लेकर बैठ गए, चलो बोल क्या पूछना है पूछो। ये है तो श्रेष्ठ पुरुष सब है। माने आप जाने या ना जाने, और कोई किसी व्यक्ति के लिए आप आदर्श बन गए, बन चुके हैं। कंजूसी में आदर्श, शंका प्रकट करते में आदर्श, हर चीज में शंका। क्या करे दुनिया के बारे। तो यत यत कर्म आचरति येषु येषु, और माने श्रेष्ठ हा, श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करता है, यत यत कर्म आचरति, जो जो कर्म करता है। देखिए प्रधान हा माने प्रधान, अर्थात प्रधान मनुष्य, माने श्रेष्ठ माने प्रधान, प्रधान माने जो लीडर, प्रधान माने लीडर, प्रधान। और प्रधान सब है प्रधान, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो गुरुजी ने हमको बताया ना, हम सबको बताया गुरुजी। चिन्मय मिशन कहां है? आई एम सीएम, माने आई एम चिन्मय मिशन। आई एम चिन्मय मिशन, आई एम चिन्मय मिशन, आई एम सीएम। सीएम माने चीफ मिनिस्टर नहीं है, चिन्मय मिशन। जब आई एम चिन्मय मिशन भावना हुई सब में, तब काम होगा। मैं चिन्मय मिशन में चले जाती हूं, वो चिन्मय मिशन में चले जाती है तो ठीक है, मगर सब लोग ऐसे कह रहे तो चिन्मय मिशन कहां है? चलाने वाला कौन है? इसीलिए यत यत कर्म आचरति श्रेष्ठ प्रधान। सो सभी लोग प्रधान है, ठीक है। तत्तत एव कर्म आचरति इतरः अन्यो जनः तदनुगतः, उसके अनुसार बाकी सभी लोग वही कर्म करते रहते हैं। उसी कर्म को जीवन में लाकर उतारकर प्रैक्टिस करते हैं, अनुगतः अनुकरण करते हैं। ये सृष्टि का नियम है। अब बताओ, इसके बिना शिक्षा ग्रहण करना कभी नहीं होगा। देखो, अनुकरण, और अनुकरण करना कोई गलती नहीं है, इसमें गलत नहीं है, करना ही करना है। क्योंकि आदर्श पुरुषों का अनुकरण नहीं किया तो फिर किसका अनुकरण कर रहे हैं? देखिए, व्यापार प्रकटन जो होते हैं टीवी में, उसको देख करके अनुकरण करते हैं, उसका अनुकरण। तो किसी का, हर व्यक्ति किसी ना किसी का अनुकरण कर ही रहे हैं। और मैं जीवन में किसी का अनुकरण नहीं करूंगा ऐसा समझकर सोचो जरा, होगा क्या? ये तो अनुकरण के बिना जी नहीं सकता। अब देखिए, समय का पालन में चिन्मय मिशन सारे गुरुदेव का अनुकरण करने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए, अनुशासन में उन्हीं का अनुकरण करने के लिए प्रयास करते हैं। प्रवचन शैली में उन्हीं का अनुकरण करने के लिए, माने स्पष्टता से जैसे गुरुदेव बताते थे पहले, उसी तरह से उनका उन्हीं का अनुकरण, माने स्पष्ट ता को लाने के लिए प्रवचन में, उसी के लिए प्रयास करते हैं सभी आचार्य लोग। जैसे गुरुदेव लगातार काम किया, उनके भक्त लोग जितने भी हैं इस पृथ्वी पे, सभी लोग उसी का अनुकरण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जारी है प्रयास। तो गुरु का अनुकरण शिष्य करेगा, पिता का अनुकरण पुत्र करेगा। देखिए माताजी का अनुकरण भी पुत्र करेंगे, पुत्री करेगी। इसलिए बिगाड़ने वाले कौन होते हैं? माँ बाप। तो यत यत आचरति, घर पर कौन है श्रेष्ठ? दादाजी हो तो आप श्रेष्ठ है, प्रधान है। प्रधान, घर का प्रधान कौन है? यह है प्रधान, मुख्य व्यक्ति। कौन है प्रधान? यह है। देखिए, तो इसीलिए यत यत आचरति श्रेष्ठ पुरुषः तत्तदेव कर्म आचरति इतरः अन्यः जनः तदनुगतः। उसके अनुसार बाकी सभी लोग उसी का अनुकरण करते हैं। हो गई बात? तो आप प्रधान हो गए कि नहीं? जीवन में प्रधान हो गए। अरे एक बेवकूफ ऐसा टेढ़ी मोड़ा गाड़ी चलाता, टेढ़ा मोड़ा सड़क पर, और कोई बेवकूफ देता, तू चलाएगा मैं भी चलाऊंगा, उसी को अनुकरण करता, उसी समय लीडर बन गया, वो प्रधान बन गया। इसके लिए होता है कि नहीं? और बगल वाला बैठता है, यार तो तू तो जा रहा है, वो तो जा रहा है, इसी तरह से तुमको क्यों जाना है ऐसा, तुम आराम से जाओ, उसके पीछे क्यों करते हो, उसका पीछा क्यों करते हो, छोड़ो उसको, बोलते हैं कि नहीं? तो ये तो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन। तो भगवान कहते हैं किंच सश्रेष्ठ यद प्रमाणम कुरुते। देखिए, जो उस श्रेष्ठ पुरुष, प्रधान पुरुष जिसको प्रमाण के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं, भगवान कहते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, लौकिकम वैदिकम वा। देखिए, लौकिक प्रमाण या वैदिक प्रमाण, जो भी प्रमाण लोक दृष्टि, लोक व्यवहार में जिस विधि को या पद्धति को प्रमाणित करके जी रहे हैं, तो उसी को बिना बोले प्रमाण के रूप में घोषणा कर रहे हैं सबके लिए, बाकी लोगों के लिए बोले बिना। इज एडवर्टाइजिंग हिमसेल्फ विदाउट अनाउंसमेंट। द मेथडोलॉजी, थिंक अबाउट इट। सो यू आर अ साइलेंट लीडर, either prospering people around you or drowning them into so many complications and problems, misguiding them. भयंकर बात है। तो इसीलिए किंच श्रेष्ठ यद प्रमाणम कुरुते, लौकिक प्रमाण हो या वैदिक प्रमाण हो, माने वैदिक संबंधी, वेद संबंधी के बारे में प्रमाणित, प्रमाण को मानकर जो जीता है, या तो लोक व्यवहार में भी किसी को भी प्रमाण, तो प्रमाण प्रधान है और एक प्रमाण को मानता है, तो बाकी सभी लोग उसी प्रमाण को मानते हैं। ये बड़े लोगों का आदत है, कुछ घरों में, बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े आदत है, अच्छे, बड़े बड़े मैंने बुरे बुरे आदत है, बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े आदत है। क्या क्या आदत है? कि सुबह उठते नहीं समय पर और नहाते भी नहीं, शाम को ही नहाने का आदत है। बच्चों को भी वही आ गया, वो जवाब भी दे देते हैं, प्रमाण मान लिया, वो सोचा कि ऐसे ही होता है। कभी हमारे घर में कोई सुबह उठता, वो सुबह उस समय पर उठता नहीं और नहाता भी नहीं, तो ठीक है, तो इसी माने सभी लोग ऐसे ही करते होंगे। ये 5 साल 6 साल का लड़का ऐसे समझा, इसको क्या पता है कि सुबह उठना है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वजा करके गाते हैं सुप्रभातम। विश्वामित्र भी जगाते ना श्री रामचंद्र जी को, कौशल्या व्हाट इज दैट, सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्धूल कर्तव्यम दैवमाहन्निकम। ये नरशार्धूल, उत्तिष्ठ, कौशल्या, सुप्रजा, रामा, पूर्वा संध्या प्रवर्तते। देखिए, पूर्वा संध्या प्रवर्तते माने सुबह की जो संध्या है वो प्रवर्तते, बढ़िया। ऐसा इस तरह से गुरु ने शिष्य को उठाया, राम जी को प्रेम से उठाया, क्योंकि राजा थे वो। जंगल में बैठे हैं विश्वामित्र जी को, उनको समझाते हुए, शिक्षा देते हुए। तो ऐसा बच्चा से पूछा कि बेटा तुम कब नहाते हो? हम सुबह नहाते नहीं, शाम को ही नहाते, ऐसे जवाब दिया मेरे को एक बच्चा। हम नहाते नहीं, कभी भी नहीं नहाते। नहीं, रात को सोने से पहले ब्रश करके नहा के सो जाते हैं, फिर सुबह कुछ नहीं करते, मुँह में थोड़ा पानी पी के गार्गल स्कूल चले जाते हैं। फिर बदबू नहीं मारता? बदबू नहीं। एक स्कूल में, एक चिन्मय विद्यालय में कहता, एक लड़की आई थी छोटी सी, और इनके पिताजी युवा केंद्र में था। मैं तो ऐसा पूछता रहता हूँ, कितने बजे उठती हो, कितने बजे नहाती हो? थी तीसरे क्लास में है, 2 साल के पहले की बात है ये। एक जगह पे तो वो बोल दी नो, प्रिंसिपल के रूम में मैंने पूछा, प्रिंसिपल के सामने ही। वो बेचारे इनोसेंटली रिप्लाई दे दिया, आई डोंट टेक बाथ इन द मॉर्निंग करके। तो प्रिंसिपल का और देखा मैं, ये क्या शिक्षा दे रही हो तुम? वो भी डर गई, शी डजंट नो। तो बोले वेरी बैड हैबिट बेटा, शी सेड वेरी बैड हैबिट। तो इसके पिताजी भी थे वहीं पे, वो तो युवा केंद्र नंबर रहा वो उस साल पहले। मुझको देखा, तू क्या है? बोले बहुत क्या है। तो घर गई, बस लड़ाई शुरू मम्मी से, मेरे इज्जत निकाल दी तुमने आज। स्वामी जी ने पूछा कितने बजे नहाती हो, मैंने कह दिया नहाया नहीं आज, तू तो कोई नहलाते नहीं मुझे। बाद में ईमेल के बाद ईमेल, स्वामी जी आपने क्या किया? घर पे अभी शोर मच रहे, कुचल मचल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध कर प्रकट कर दिए। तो जारी करी युद्ध, रोज उठाओ उठाओ नहलाओ पहले, तभी मैं स्कूल जाऊंगी। तो बोले अच्छी बात है, ये प्रमाण है ना, प्रमाण। घर पर अब स्लैंग लैंग्वेज जो प्रयोग करते घर पे पिताजी माता एंड ऑल दैट, बच्चे वही उठाते, उसी को उठा देते हैं, पकड़ लेते हैं ऐसे भाषा को। तो ये सब है ना, हम जिएंगे, मेरे हिसाब से जीता हूं मैं जैसा जीना चाहता हूं वैसे ही जीऊंगा, भाड़ में जाओ दुनिया को, ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखो, तो इसीलिए सह्यत प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते, तदेव माने उसी को ही प्रमाणी करोति इत्यर्थः। तो गुरुदेव का बहुत बड़ा पसंद है श्लोक उनको। गुरुदेव को दोहराते थे, बयाट करवाते थे सबको, फिर अगले दिन पूछते थे कि यज्ञ में कि अभी दोहराओ, बोलो, रिपीट। तो सब रिपीट ने कमान चांट, तो एवरीबडी हैज टू चांट दिस श्लोक, यद यदा आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो मंत्री से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर के, राष्ट्रपति से लेकर के, सभी लोग प्रमाण ही हैं, आदर्श पुरुष ही है और बाकी लोगों के लिए। तो ये समझकर जिया तो फिर बड़ी सेवा है देश के लिए। किस तरह के मंत्री हो आप, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, और या कोई भी मंत्री हो, कोई कलेक्टर हो, पुलिस ऑफिसर हो, ये जरूरी है। तो भगवान कहते हैं तो श्रेष्ठ पुरुष है तो किसको करना चाहिए? लोक संग्रहम ककुर्तम कहा कर्तुम अर्हति कथम च इति उच्यते। किसको करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, ऐसा यदि पूछोगे तो अर्जुन को बता रहे भगवान श्री कृष्ण, इसलिए करना चाहिए, इन लोगों के लिए करना चाहिए। किसको करना चाहिए? बहुत लोग हैं। और अर्जुन कौन है? वो हीरो थे, अखबार में हर रोज पढ़ते अर्जुन के बारे में, है कि नहीं? उन दिनों का अखबार अलग है, उन दिनों का अखबार क्या है, बात फैल जाती है भारत पर, पूरा भारत देश में। कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा है, सब लोग चले जा रहे हैं, अर्जुन ने रोया, अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, अर्जुन ने युद्ध से भाग गया, अर्जुन सो गया, ऐसा अर्जुन को हुआ, ऐसा अर्जुन ने किया। अच्छा, तो क्योंकि ये देश के लिए ही, ये हमारा जितना भारत खंड में जितने भी राज्य हैं, देश है, सारे पृथ्वी के जितने भी राज्य लोग हैं, वो सब लोग जब को जानते हैं। पृथ्वी में क्यों? देव गंधर्व यक्ष किन्नर किम पुरुष सभी लोकों में अर्जुन का जो नाम है वो फैल गया। ऐसा अर्जुन युद्ध छोड़कर भाग गया, ये कितना अपकीर्ति देखो। तू तो अत्यंत श्रेष्ठ प्रधान पुरुष है, तू श्रेष्ठ मतलब प्रधान, सिर्फ पांडवों के लिए ही नहीं। तो ऐसे तू जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा करना क्या करना चाहिए, लोक संग्रह कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह का मतलब क्या है, उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम करना चाहिए, प्रयास रखना चाहिए। देखिए बताता मैं आपको, यदि इस बात मैं अभी जो बोलने वाला हूं उस बात को यदि आपकी जो सीमा है कर्म की सीमा, उस सीमा के अंदर अंदर अभी मैं जो बोल रहा हूं बोलने वाला हूं इस वाक्य को, उस वाक्य को बार बार बोलना आपका कर्तव्य है। किसकी सीमा क्या बोलना चाहिए, तो सभी लोगों को एक अपना अपना धर्म करते हुए सभी लोगों को उत्साह प्रेरणा देते रहना। और अब हमारे कर्म की जो सीमा है घर में बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना। मैं बोल बोल के थक गया हूं, अरे बाहर के लोग, मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं थक गया हूं, मैं आपको त्याग दे सकता हूं, त्याग दे देता हूं, क्योंकि आप यदि सीमा कर्तव्य सीमा से बाहर हो तो मैं त्याग दे सकता हूं, त्याग देता हूं, नो प्रॉब्लम। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक पिता होकर या न तो ये माता या न तो दादा या दादी या तो ये एक मालिक, कंपनी का मालिक, मेरे अंडर में कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं, अनुचर लोग हैं, ये मेरे कर्म की जो सीमा बन गई, उस सीमा में रहते हुए बिना बोले चलेगा काम नहीं होगा। तो मुझको अनुष्ठान करना, मेरा अनुष्ठान और अनुष्ठान के साथ साथ सभी को उसी को समझाना, बोलते रहना, ये मेरा कर्तव्य है। आप सुने या ना सुने, मगर मैं थक गया हूं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये धर्म की सीमा में ये जारी है। कोई अनजान व्यक्ति है तो मनुष्य के धर्म के अनुसार एक बार बोलूंगा, दो बार बताता हूं, बस ठीक है, छोड़ दिया। पर पिता होकर माता होकर ये नहीं कह सकते कि मैं थक गई हूँ, बोल बोल के थक गया हूँ, अब इनको छोड़ दिया हूँ, मरने दो उन सबको, क्योंकि उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम। बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, कब तक, जब तक आप जिंदा हैं। इस बीच में पहले स्वामी जी, इससे पहले हम बंद करना चाहता हूँ इस झंझट को, तो फिर जब आपका मुंह बंद हो जाए किसी बीमारी के कारण, तब बोलना बंद कर दो। आपको यदि मालूम हो ना हो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गुरुदेव का अभिप्राय यही था। एक 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 बार उन्होंने, मैंने पढ़ा किताब में, गुरुदेव ने कहा कि देखिए स्टडी ग्रुप, जो हमारे जो स्टडी ग्रुप चलती है, तो उसको सभी लोग हर संडे को, जो भी है संडे को, जब संडे को उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, तो संडे संडे जो क्लास चलती है उस क्लास में सभी लोग बिना बंक मारे तो हर संडे को जाना ही जाना है, स्टडी ग्रुप में स्वाध्याय क्लास में जाना ही जाना है करके गुरुदेव नियम। अच्छा, ये नियम से फिर किस लिए, किसके लिए, ये तो फिर ये रेगुलर जाना कब तक, एनी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है बोलता है। पूछते हैं कि किसी ने पूछा कोई एक्सेप्शन, हाँ ये एक्सेप्शन है। किसको, उस व्यक्ति जो अगले आने वाले संडे से पहले मरने वाला है। गुरुदेव ने ऐसा कहा, जो आने वाले संडे से पहले जो मरने वाला है उसी को एक्सेप्शन है, उसके अलावा तो फिर पूछा, फिर बोले गुरुदेव ओ भी सेवक जो है, जो क्लास चलाता है ना, वो जो संचालक, उसको फोन करके बताना है कि मैं फ्राइडे के दिन में मैं मरने वाला हूँ, इसलिए संडे क्लास को मैं नहीं आ सकता हूँ करके बोल के मरो, ऐसा गुरुदेव ने बताया। मैंने एक्सेप्शन नहीं दिया। बीमार पड़ गए तो नहीं, बीमार मत पड़ो। बीमार मत पड़ो। वाह, देखिए कोई रास्ता नहीं दिया। ब्यूटिफुल। यदि अत्र ते लोक संग्रह कर्तव्यतायां विप्रतिपत्तिः तर्हि मां किं न पश्यसि। यदि तुमको इसमें कोई शंका हो, किसमें? लोक संग्रह कर्तव्यतायां। लोक संग्रह कर्तव्य है, लोक संग्रह करने में, करना ही ये कर्तव्य है। तो लोक संग्रह पूर्वक कर्तव्य पूर्व कर्तव्य रूपक जो लोक संग्रह कर्म है, मन लोक संग्रह माने लोगों की भलाई के लिए जो कर्म, वही इसी के लिए जीना है आदमी को। तो उसका उसके लिए इसके जिसके इसके बारे में यदि तेरे मन में शंका हो तो ये मेरा प्यारा अर्जुन, मुझे मेरे और क्यों देखते नहीं तू? मेरे और देखकर सीखो, मुझको देखो मैं क्या कर रहा हूं। देखिए, माम किम न पश्यसि, व्हाई डोंट लुक एट मी। तू क्या कर रहे हो? भगवान से पूछा, आप क्या कर रहे हो? माम किम न पश्यसि। तो आप भी इसी में लगे हुए क्या? भगवान होकर, हां जी भगवान हूं इसलिए बड़ा प्रॉब्लम है, मैं भी बच नहीं सकता हूं इससे, ये क्या है? तरहि माम के। तो यदि अत्र ते टू यू लोक संग्रह कर्तव्यतायाम प्रतिपत्ति ही, if there is any doubt pertaining to the loka sangraha, meaning working for the welfare of the community and society, in this regard if you have any other further doubt, why the hell you don't look at me? That's the meaning. Why don't you look at me? Learn from me, I'm the standing example. Ab janaka deha do dur hai, mar chuke hai, ab main tere samne khada hu, mujhko dekhkar seekho। आप भगवान है तो भी मैं कर रहा हूं, तो भगवान है मैंने कहा है, वो तो भी कर रहा हूं। ये क्या है? तो भगवान क्या बोलने वाला है हम कल वो देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।